हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पहुंच गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 8 पे। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पार्ट सेकंड की। लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने हिटलर एवं लंदन की थ्योरी पढ़ी थी। इस सेकंड पार्ट में हम आज बात करेंगे पाउलिंग एंड स्लेटर की थ्योरी, यानी कि हिटलर एवं लंदन की थ्योरी में पाउली और स्लेटर ने मॉडिफिकेशन जो किए हैं उनकी बात आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं कि पाउली और स्लेटर ने जो हिटलर एवं लंदन की थ्योरी थी उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए, क्या क्या बदलाव किए और अपनी नई थ्योरी दी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशंस के संबंध में। तो हिटलर एवं लंदन ने हमें बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशंस में जो दो एटम्स हैं उनसे एक एक इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है और उस म्यूचुअल शेयरिंग से उन दोनों एटम्स में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। लेकिन हिटलर एवं लंदन हमें कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शनल नेचर के बारे में नहीं बता पाए, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है उसमें जो डायरेक्शनल नेचर आ रहा है या जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है उसकी जियोमेट्री के बारे में हमें हिटलर एवं लंदन नहीं बता पाए थे। तो उसमें पाउली एवं स्लेटर ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए और पाउली एवं स्लेटर ने जो मॉडिफिकेशंस किए उसमें उन्होंने हमें एक नए फिनोमिना या एक नए घटनाक्रम या एक नई प्रक्रिया से इंट्रोड्यूस करवाया। और वो प्रक्रिया होती है, इन्होंने हमें बताया कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उन दो एटम्स के वैलेंस शेल के यानी कि जो आखिरी शेल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग क्या होती है, तो दो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। ये हमें कौन बताते हैं, पाउली एंड स्लेटर बताते हैं कि जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो मर्ज हो जाएंगे, उनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी कि वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स है उनमें ओवरलैपिंग बताई। और ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स कैसे रहने चाहिए, तो ये हाफ फील्ड होने चाहिए। मतलब वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स भी कैसे हाफ फील्ड, यानी कि इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो पाउली एंड स्लेटर ने हमें नए फिनोमिना से इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसका नाम था ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स किस तरह से होता है, ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग के क्या क्या टाइप होते हैं, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो पाउली एंड स्लेटर ने कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद कुछ अपने पॉइंट रखे, वो पॉइंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाएगा कि पाउली एंड स्लेटर के अनुसार या पाउली एंड स्लेटर के मॉडिफिकेशंस के अनुसार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग होने के बाद मान लो कि ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये पी ऑर्बिटल्स का हम एक लोब बना रहे हैं, ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं मान लो। अब पी में जनरली तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तब हम पढ़ा चुके हैं कि एस जो रहता है वो स्फेरिकल रहता है, पी जो रहता है वो कैसा रहता है, तो P में डंबल शेप होता है, D जो होता है वो डबल डंबल शेप होता है, कुछ इस तरह से दिखता है D ऑर्बिटल। तो इनके हम डिफरेंट शेप जो है ऑर्बिटल्स के ये आपको बता चुके। तो ये मान लो दो P ऑर्बिटल है डिफरेंट एटम के, ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हमेशा डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स में होगी। तो ये मान लो दो P ऑर्बिटल्स हैं, किसी भी दो एटम्स के हमने P ऑर्बिटल्स ले लिए, PX, PY, PZ कोई भी हो सकते हैं। तो इनमें ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी और ये वाला ऑर्बिटल इसमें मर्ज हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से ओवरलैप करके ये, और ये ओवरलैपिंग का एरिया होगा। और ये जो दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, ये इस एरिया में मूव करेंगे और इसको इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसको कहा कोवेलेंट ऑर्बिटल। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से जो एरिया बनता है या जो नया ऑर्बिटल्स बनता है उन्हें इन्होंने क्या कहा, उन्हें पाउली एंड स्लेटर ने कोवेलेंट ऑर्बिटल कहा। और इस कोवेलेंट ऑर्बिटल्स के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कोवेलेंट ऑर्बिटल्स में मूव करेंगे, इस कोवेलेंट ऑर्बिटल्स में घूमेंगे। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं,
ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या डिब्बे होते हैं? नहीं, ऑर्बिटल्स को तो हम शो करते हैं बुक्स में दिखाने के लिए, इस तरह से बनाते हैं। क्या ऑर्बिटल इस तरह से दिखते हैं? क्योंकि जब मैं भी 11th में था, जब मैंने पहली बार ऑर्बिटल सुना था, तो मैं भी समझा था कि ऑर्बिटल्स कुछ डिब्बे होते हैं, जिस तरह से बुक्स में दिखाए गए थे, किताबों में जिस तरह से दिखाए गए थे, मैं भी उस तरह से समझा था कि ऑर्बिटल्स इस तरह से होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल्स एक्चुअल में होते क्या है? ऑर्बिटल्स एक्चुअल में कोई डिब्बे थोड़ी होते। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि वेव फॉर्म में मूव कर रहा है, वेव फॉर्म में चल रहा है। तो इस वेव का जो, मान लो ये इस वेव का पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, या इस तरह से ये वेव जा रही है, तो ऑर्बिटल्स उस वेव का वो हिस्सा या वो खंड होता है, वो हिस्सा होता है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि जो ऑर्बिटल्स होता है उसमें हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस जो मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन्स के जो पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो उस हिस्से में, उस वेव के उस हिस्से में हो सकती है। यानी कि ऑर्बिटल्स भी हमारे क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स भी वेव होते हैं। और ऑर्बिटल्स को हम हमेशा जो दो लोब रहते हैं उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वेव को भी हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। और वेव का जो अबोव द प्लेन रहेगा, यानी प्लेन के जो ऊपर हिस्सा रहता है, उसे हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। और जो बिलो द प्लेन रहता है, यानी कि जो प्लेन के नीचे रहता है, उसे हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। इस तरह से हम शो करते हैं। इसीलिए हम जब भी ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो जो दो लोब हम लेते हैं, ये दो लोब हम लेते हैं, तो इसमें एक लोब को हम पॉजिटिव और एक लोब को हम नेगेटिव लिखते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हमेशा सेम साइन में होगी, सेम साइन में। यानी कि ओवरलैपिंग हमेशा प्लस प्लस में होनी चाहिए, या ये दोनों साइन माइनस माइनस होना चाहिए। एक प्लस और एक माइनस में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी पाउली एम स्लेटर के अनुसार या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। तो हमने अभी क्या क्या बात कर ली? पाउली एम स्लेटर ने हमें क्या क्या बोला कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है, वेलेंस शेल के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, सारे ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग नहीं होती। उसके बाद में ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए ओवरलैप करने के लिए? हाफ फिल्ड होने चाहिए, एटलीस्ट उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि मान लो ये पी के ऑर्बिटल्स हैं, तो मान लो पी में दो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, पी के ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें से दो ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो ये दोनों जो ऑर्बिटल रहेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं, ये ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या ये फुली वैकेंट है, या इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने के लिए हमेशा हाफ फिल्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए। वो फुल फिल्ड भी रहेगा तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये बातें हमें पाउली एम स्लेटर ने कही। उसके बाद में कोवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं ओवरलैपिंग के दौरान। और एक चीज़ और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट हमें बात कही थी, वो क्या थी कि ये जो ओवरलैपिंग का एरिया है, ये ओवरलैपिंग का एरिया है, यानी कि कोवेलेंट ऑर्बिटल्स का एरिया है, ये जितना ज़्यादा रहेगा, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, यानी कि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में जितने ज़्यादा मर्ज करेंगे, वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब फॉर्म होगा? जब ओवरलैपिंग का एरिया ज़्यादा रहेगा, या ओवरलैपिंग की जगह ज़्यादा रहेगी, या ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, वो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन क्या ये, अगर ये ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली ओवरलैप कर गए, पूरी तरह से ओवरलैप कर गए, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा? नहीं, वो बॉन्ड फिर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से घुस गए, तो वहाँ पे एक रिपल्शन फोर्स काम करने लग जाएगा। अब भाई सीधी सी बात है, दो एटम्स हैं, अगर ये दो एटम्स कम्प्लीटली एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, तो इनके जो न्यूक्लियस है उनमें आपस में रिपल्शन होने लग जाएगा। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ये 49% हो सकती है, 49 या अप्रोक्सीमेट 50 मान सकते हो, यानी कि 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद में और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया था हमें? तो इन्होंने एक चीज़ और हमें बताई थी, इम्पोर्टेंट बात बताई थी। वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि ये जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल, जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में करने चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्या लिख रहा हूं मैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने चाहिए। अब स्पेसिफिक डायरेक्शंस का क्या मतलब है? तो हमें पता है कि हम जब भी पी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो पी ऑर्बिटल्स में हम तीन एक्सिस में बनाते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तीन होते हैं, ये पी एक्स, ये पी वाई एंड ये
पी जेड, जिसमें हम पी जेड को हमेशा प्लेन ऑफ पेपर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं प्लेन ऑफ पेपर? क्योंकि बुक में हमेशा इसी तरह से इसे दर्शाया गया है। और जो हमारा पी एक्स रहता है, पी एक्स को हम अबव द प्लेन बनाते हैं, यानी कि हम ये जो पी एक्स सॉरी पी जेड जो हमने बनाया है, पी जेड को हम प्लेन ऑफ पेपर बनाते हैं और ये पी एक्स हम इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं, और जो पी वाई सॉरी ये पी वाई हो गया, इसके बाद में जो पी जेड को हमने बना दिया, इसके बाद में पी एक्स जो रहता है उसे हम इन दोनों के परपेंडिकुलर बनाते हैं, यानी कि तीनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं या एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं। अब अगर मान लो हम इसको समझे, तो ये मान लो आपका पी जेड हो गया, तो पी जेड आपका प्लेन ऑफ द पेपर जस्ट प्लेन पेपर के साथ में, इसके बाद में आपका पी वाई उसके जस्ट परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे, और आपका जो पी एक्स रहेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये जो थ्री डायमेंशियली रहते हैं, तीनों ऑर्बिटल्स अरेंज रहते हैं एक दूसरे के, और इसी तरह से डी ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी कि सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर रहते हैं। लेकिन जो एस ऑर्बिटल्स रहता है, एस में अब सिर्फ एक सिंगल ऑर्बिटल रहता है, एस में एक सिंगल ऑर्बिटल से रहता है, हमें पता है एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल से रहता है। तो जो एस रहता है, एस का शेप हमने कैसा पढ़ा था? स्फेरिकल शेप होता है। अब स्फेरिकल शेप को आप किस तरह से बनाओ या उसका अरेंजमेंट किस तरह से करो, एक सिंगल ऑर्बिटल्स को आप किस तरह से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पी ऑर्बिटल्स में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो तीनों ऑर्बिटल से रहते हैं वो एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर रहते हैं। अब इन्होंने बोला कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ओवरलैप करते हैं, उसका क्या मतलब है उसे अब समझिए। तो पाउलियम स्लेटर ने जो हमें बताया वो हमें ये बोला कि हमेशा जो पी एक्स रहेगा, हमेशा जो पी एक्स रहेगा वो पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा, पी वाई जो रहेगा वो पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा, और पी जेड जो रहेगा वो पी जेड के साथ ओवरलैप करेगा। भाई सीधी सी बात है, जो जिस डायरेक्शन में रहेगा, मान लो पी जेड जो ऑर्बिटल है, पी जेड ये ऑर्बिटल हुआ, ये मान लो हमारा प्लेन ऑफ द पेपर है, यानी कि पेपर की प्लेन पर बना हुआ है। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो आपस में जिनकी ओवरलैपिंग जो होगी वो बहुत आसानी से होगी, या जो एक ही प्लेन में रहेगा वही ओवरलैप करेंगे। अब एक जो पीछे के प्लेन में है या एक दूसरे प्लेन में और एक आगे के प्लेन में, वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कैसे करेंगे? तो ऑर्बिटल्स का हमेशा ओवरलैपिंग कैसी होगी? तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी, और इसी ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड इसीलिए डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग कैसी है? स्पेसिफिक डायरेक्शंस की ओवरलैपिंग है। और यही तो हमें जो हिटलर एंड लंदन वो नहीं बता पाए थे, और यही मॉडिफिकेशन पाउली एम स्लेटर ने यहाँ पे किया, क्या कि जो ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स में वो हमेशा कैसी होगी? स्पेसिफिक डायरेक्शंस की ओवरलैपिंग होगी। इसके बाद में जो पाउली एम स्लेटर ने एक और इम्पोर्टेंट हमें बात बताई थी अपनी थ्योरी में या अपने मॉडिफिकेशंस में, वो बात इन्होंने बताई थी कि जो एसएस ओवरलैपिंग हो रही है, एस ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि स्फेरिकल ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग हो रही है, वो ओवरलैपिंग कभी भी मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री को या मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शनल नेचर को या कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर को अफेक्टेड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये किस तरह से ओवरलैप करता है या किस डायरेक्शन में ओवरलैप करता है, ये उस बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर को अफेक्ट नहीं करता। क्योंकि स्फेरिकल शेप, अगर मान लो ये स्फेरिकल शेप है, यहाँ बनाते हैं इसको हम, ये मान लो यहाँ पे स्फेरिकल शेप है, अब ये स्फेरिकल शेप इधर से ओवरलैप करे या इधर से ओवरलैप करे या इधर से ओवरलैप करे, किधर से भी ओवरलैप करे, इस पे इसके स्पेसिफिक डायरेक्शंस का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। बॉन्ड की स्पेसिफिक डायरेक्शंस पे जो एस ऑर्बिटल्स रहते हैं उसका कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं या कुछ मॉडिफिकेशन है जो कि पाउली एम स्लेटर ने दिए। अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये किस किस तरह से हो सकती है, यानी कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, उनकी बात कर लेते हैं। पहले हम इसे रफ करते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो जनरली जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, इनमें यहाँ पे हमें जनरली तीन तरह से ओवरलैपिंग को पढ़ना है या तीन टाइप की ओवरलैपिंग के बारे में बात करना है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे हमारी आती है एसएस ओवरलैपिंग बोलते हैं हम, ओवरलैपिंग। अब एसएस ओवरलैपिंग में नाम से स्पष्ट है कि इसमें एसएस ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती होगी। एक जो अगली हमारी ओवरलैपिंग आएगी वो होती है एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। एंड जो थर्ड नंबर पे हमें पढ़ना है वो है पीपी ओवरलैपिंग।
अब यहाँ पे और भी ओवरलैपिंग होती है, डीडी ओवरलैपिंग भी होती है, लेकिन हमें उनकी यहाँ पे बात नहीं करनी। हमें यहाँ पे सिर्फ तीन ओवरलैपिंग पढ़नी है, जिसमें एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इन तीनों ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, वो दो तरह के बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। एक जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड बनेगा वो पाई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कब सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा, उसकी हम बात करेंगे, उसको हम अभी यहाँ पे समझेंगे कि कब हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म होगा, कब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ये कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो ओवरलैपिंग होती है, वो ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग से ज्यादा होती है। यानी कि ओवरलैपिंग का जो एरिया रहेगा सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो ज्यादा रहेगा, यानी कि ज्यादा एक्सटेंड में ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड में। अब पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एसएस ओवरलैपिंग क्या होती है। तो जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मान लो ये एटम ए की बात कर ले हम, ये एटम ए और एटम बी, इन दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है, और किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, तो एसएस ओवरलैपिंग की हम बात कर रहे हैं कि एसएस ओवरलैपिंग किस तरह से होती है। तो जब इन दोनों एटम्स के एसएस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एटम ए का और एस ऑर्बिटल एटम बी का जब ओवरलैप करते हैं, और जो ओवरलैपिंग होती है उस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे एसएस ओवरलैपिंग, और एसएस ओवरलैपिंग से हमेशा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। यानी कि एसएस में इसका एग्जांपल हमारे पास में बेस्ट एग्जांपल है H2 के मॉलिक्यूल्स की हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की। अब एक हाइड्रोजन का एटम, इसके पास में इसकी वैलेंस शेल कौन सी होती है, 1s1। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि 1s1 में रहता है, और एक और जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम है उसमें भी 1s1, यानी कि दोनों में एसएस ऑर्बिटल्स है। तो ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप रहता है इसका, और इस हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, और इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी, और इन दोनों में जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे म्यूचुअल शेयरिंग के, ये जो कोवेलेंट ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है इसमें मूव करेंगे। तो एसएस ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, तो एसएस ओवरलैपिंग स्फेरिकल ओवरलैपिंग होती है, और स्फेरिकल ओवरलैपिंग में हमेशा जो बॉन्ड फॉर्म होगा, एस में जो हमेशा बॉन्ड फॉर्म होगा इस ओवरलैपिंग में, वो बॉन्ड कौन सा रहेगा, तो वो सिग्मा बॉन्ड रहने वाला है। इसके बाद में आता है एसपी ओवरलैपिंग, तो इसमें एक ऑर्बिटल एस का रहेगा और एक ऑर्बिटल पी का रहेगा, यानी कि एक तो जो एटम रहेगा उसका एस ऑर्बिटल आएगा, और एक जो दूसरा एटम रहेगा उसका पी ऑर्बिटल, और इन दोनों एसपी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी और कोवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब इसमें भी एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, और एस ऑर्बिटल जब भी पार्टिसिपेट करेगा तो हमने देखा कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो एस जहां भी पार्टिसिपेट करेगा वहां हमेशा कौन सा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहां पे भी जो ओवरलैपिंग होगी वो उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, तो एक एस ऑर्बिटल आएगा, ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, और एक पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल्स का शेप हमें पता है, डंबल शेप होता है, इस तरह का शेप होता है, तो इनमें ओवरलैपिंग होगी। और किस तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो इनमें कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, और ये ओवरलैपिंग का एरिया बनेगा, या इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और यहाँ पे ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे शेयरिंग के, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो इसके एग्जांपल में हमारे पास है HCl। HCl में हाइड्रोजन का जो रहेगा वो एस ऑर्बिटल, Cl का जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन बना लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये pz हो जाएगा। pz में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये pz, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 1s में ओवरलैपिंग होगी। और कौन सा ओवरलैपिंग कहलाएगी, ये ओवरलैपिंग कहलाएगी sp ओवरलैपिंग कहलाएगी। तो ये HCl के मॉलिक्यूल्स इसका एग्जांपल है, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा रहेगा, तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। अब बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की, यानी कि जो दोनों ऑर्बिटल्स रहेंगे, जो दोनों अलग अलग एटम से आने वाले ऑर्बिटल्स रहेंगे, वो पी ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स डंबल शेप होते हैं, हमें पता ही है पी ऑर्बिटल्स डंबल शेप होते हैं। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में दो तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है, यानी कि पीपी ओवरलैपिंग दो तरह से हो सकती है। किस किस तरह से हो सकती है वो आप समझिए। तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो, यानी कि एक ही एक्सिस में हो, या मॉलिक्यूलर एक्सिस में अगर ओवरलैपिंग हो, यानी कि इन दोनों में इस तरह से ओवरलैपिंग हो कि मॉलिक्यूलर एक्सिस पर ओवरलैप करे ये दोनों, तो इस तरह से इसको समझिए। अगर इस तरह से ओवरलैपिंग हो और कोवेलेंट ऑर्बिटल फॉर्म हो, तो इसे हम कहते हैं कोएक्सियल
ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, यानी कि पीपी ऑर्बिटल्स में जो फर्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग होती है वो होती है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और एक और होती है इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, तो ये मान लो पी ऑर्बिटल है, दो ये दो पी ऑर्बिटल है और इनमें साइड वाइज ओवरलैप करे, ये साइड वाइज ओवरलैप करे, यानी कुछ इस तरह से इनमें ओवरलैप करे, और ये जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे इन्हें हम बोलेंगे कोवेलेंट ऑर्बिटल। और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा साइड वाइज में। देखो इसमें जो आपका ओवरलैपिंग का एरिया है वो कम कवर होता है, इसीलिए जो पाई बॉन्ड रहता है वो वीक बॉन्ड रहता है कंपेरेटिवली सिग्मा बॉन्ड के। पीपी में ओवरलैपिंग वो दो तरह से हो सकती है, कोएक्सियल हो सकती है और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है। तो साइड वाइज में हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो साइड वाइज जब पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और जब कोएक्सियल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सिग्मा बॉन्ड तीन तरह से फॉर्म होता है, या तो एस एस में ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, एसपी में ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, पीपी में अगर कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, और पाई सिर्फ कब बनेगा जब पीपी में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तभी। तो ये थी तीन तरह की ओवरलैपिंग, और इन ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बन सकता है उसकी हमने बात करी। तो तीन केस में हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, और एक केस में हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे, पाई बॉन्ड का एग्जांपल हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो O2 का जो मॉलिक्यूल से रहता है उसका स्ट्रक्चर आप समझिए। तो O2 में एक ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पी में चार इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि पी के दो खाली है, एक तो PZ खाली है और PY खाली है, मान लो ये दो खाली है। तो इसी तरह दोनों एटम्स के दो दो ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे, PY एंड PZ। तो इसका जब PY इसके PY से ओवरलैप करेगा, क्योंकि हमें पता है PY PY से ओवरलैप करेगा, PZ PZ से ओवरलैप करेगा, और PZ PZ से ओवरलैप करेगा, और PZ में ओवरलैपिंग किस तरह की होगी, तो पीजेड में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, यानी कि जो पहला बॉन्ड बनेगा O2 O2 के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो पहला बॉन्ड सिग्मा रहेगा, और जो दूसरी ओवरलैपिंग होगी, दूसरी ओवरलैपिंग कैसी होगी, तो दूसरी बार जो ओवरलैपिंग होगी वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। यानी कि यहां से आपको समझ में आया कि जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो जो पहला बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा, एंड देन जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई बनेगा। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड सिग्मा नहीं हो सकते, हमेशा एक बॉन्ड सिग्मा रहेगा, लेकिन दो पाई बॉन्ड जरूर हो सकते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम तीन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, मैक्सिमम तीन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। क्यों मैक्सिमम तीन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो पहले जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा, एंड तीसरा जो बनेगा वो भी पाई बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है तो समझिए आप, ऐसा क्यों होता है। तो हम जब भी पी ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो हमारे जो पी ऑर्बिटल्स रहते हैं उन्हें हम कब कैसा बनाते हैं, तो ये तो प्लेन ऑफ द पेपर हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये एक और हो गया, ये मान लो पी जेड को हम ऐसे बनाते हैं, ये पी वाई हो गया, एंड ये हमारा पी एक्स हो गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड को आप इग्नोर कीजिएगा। तो और मान लो कि इसी तरह का एक और पी ऑर्बिटल है, इस तरह से पी ऑर्बिटल है, तो इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी, इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी वो कोएक्सियल होगी। उसके बाद में जो दो ऑर्बिटल्स आपके पी वाई और पी एक्स बचे, उन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, कुछ इस तरह से। जो पहला बॉन्ड बनेगा इस इन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, और इन दोनों जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेंगे वो दोनों पाई पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से हमेशा दो एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, दूसरा बॉन्ड पाई बनेगा, और तीसरा बॉन्ड भी बनेगा तो भी पाई बनेगा, और मैक्सिमम तीन बॉन्ड ही फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है अलग अलग डायरेक्शन हो रही है, यानी कि तीन डायमेंशियल में अलग अलग हो रही है, पहली डायमेंशियल, दूसरी डायमेंशियल और तीसरी डायमेंशियल, और मैक्सिमम तीन डायमेंशियल में ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड बन सकते हैं, इससे ज्यादा दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग। अब बात आती है कि जो ये स्लेटर एंड पाउली की जो थ्योरी थी, या पाउली एंड स्लेटर की थ्योरी थी, क्या भी बोल सकते हैं, जो VBT का मॉडिफिकेशन इन्होंने किया, इस मॉडिफिकेशन में ये एक चीज नहीं समझा पाए थे, और वो क्या नहीं समझा पाए थे, यानी कि जो VBT थी पाउलिंग एंड स्लेटर की, उसके भी कुछ ड्रॉबैक है, उसकी भी कुछ कमियां हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो क्या कमियां रही, तो जो पाउलिंग एंड स्लेटर ने जो बात कही उन्होंने क्या कहा कि दो
अलग अलग या दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वैलेंस शेल के, उनमें ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो म्यूचुअल शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से आएंगे, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा उसमें दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वहां पे हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होती है वो एक एटम से होती है, यानी कि एक एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यानी कि जो पाउलिंगम स्लेटर की थ्योरी थी वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में कोई भी बात नहीं बता पाई हमें। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है ये बात हमें पाउलिंगम स्लेटर की थ्योरी नहीं बता पाई थी। उसके बाद में ये दूसरी चीज़ और हमें नहीं बता पाई थी, ये O2 का जो मॉलिक्यूल्स होता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के बाद, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, एटम की बात नहीं कर रहे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के बाद में इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, क्योंकि भैया दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं और शेयरिंग हो जाती है और ये सारे पेयर्ड हो जाते हैं, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने पर हमें पता है कि जो जिन मॉलिक्यूल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं डायटोमिक मैग्नेटिक नेचर दिखाते हैं वो, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है ये तो पैरामैग्नेटिक में दिखाता है, ये तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन कायदे से तो ये होना क्या चाहिए, इस थ्योरी के हिसाब से तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है एक्सपेरिमेंट में देखा गया, तो ये जो पाउलिंगम स्लेटर है ये ऑक्सीजन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी नहीं शो कर पाए थे। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट ड्रॉबैक था पाउलिंगम स्लेटर की थ्योरी का वो ये था कि ये इन्होंने जो जियोमेट्री समझाई, जो मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री समझाई वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए तो समझा पाए, ये O2, H2O, HCl इस तरह के मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री तो समझा पाए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे, बड़े मॉलिक्यूल्स जिनके स्ट्रक्चर काफ़ी जायंट मॉलिक्यूल्स थे, उनकी जियोमेट्री की कोई बात नहीं कर पाए थे पाउलिंगम स्लेटर। इसके बाद में इनका एक और ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक ये था कि ये कभी भी जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, जैसे कि H2 का मॉलिक्यूल्स था तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें यानी कि इसे आयन्स में कन्वर्ट कर दें, यानी H2 प्लस आयन्स जब ये बन जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं बता पाए, ये स्टेबिलिटी की बात नहीं बता पाए, यानी कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं कर पाए, ये जब इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर तो स्टेबिलिटी की बात कर पाए ये, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं या उस मॉलिक्यूल्स को हम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अब क्योंकि H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब दो H2 के एटम्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसकी बात हमें नहीं बता पाए पाउलिंगम स्लेटर। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे पाउलिंगम स्लेटर की थ्योरी के जो आज हमने इस लेक्चर में पढ़े। और इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने मॉडिफिकेशंस के कुछ पॉइंट्स पढ़े कि जो पाउलिंगम स्लेटर थे उन्होंने हिटलर एवं लंदन की थ्योरी में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए, तो उन्होंने हमें सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया वो हमें ओवरलैपिंग से इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और नया ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं या एक ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे कोवेलेंट ऑर्बिटल कहते हैं, और उस ऑर्बिटल्स में जो म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। उसके बाद में इन्होंने हमें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में बताया कि इस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं, कौन सा ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसकी बात करी, तो तीन जब ओवरलैपिंग करेंगे यानी SS ओवरलैपिंग होगी या SP ओवरलैपिंग होगी या PP में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जब PP में साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी बातें आज के हमने इस लेक्चर में करी। इसके बाद में कुछ ड्रॉबैक्स की बात करी। अब इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, इन ड्रॉबैक्स का सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें एक नए फिनोमिना या एक नई प्रक्रिया से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा, एक नई चीज को हमें पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है कि हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब कि दो चीजों को मर्ज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ हम इस तरह से ही करने वाले कि दो चीजों को मिलाएंगे और कुछ नया एक फॉर्म हम करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ आई होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सेकंड पार्ट हमारा पाउलिंगम स्लेटर ने दिया था वो समझ में आया होगा। उसके बाद में आपको ओवरलैपिंग समझ में आएगी कि ओवरलैपिंग किस तरह से होती है। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से ओवरलैपिंग समझ में आई हो या VBT समझ में आई हो तो
प्लीज इस लेक्चर को अपने जो साथ वाले दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, या जिन दोस्तों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने की जरूरत है या जो केमिस्ट्री फील्ड से प्रेफर करते हैं आपके साथ है, उनके साथ इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।